हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज मैं बात करने वाला हूँ इग्नू के असाइनमेंट्स के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स को असाइनमेंट्स को लेकर के दिमाग में काफी सारे सवाल चल रहे थे। मैं उसके बारे में जवाब दूंगा, साथ ही साथ आप असाइनमेंट्स को किस तरीके से हमसे ले सकते हैं मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस होगा। लेक्चर स्टार्ट करता हूँ, उसके पहले मैं कुछ चीजें कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है इसको दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोज की नोटिफिकेशन जो है मिलती रहे। सबसे पहले ये कि आपको अपना असाइनमेंट्स डाउनलोड कर कैसे करना है। आपको आना है कॉमर्स ई पाठशाला डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम पे। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये ब्लू कलर से, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। इस वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है, कॉमर्स ई पाठशाला डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम पे आना है। बीच में एक स्लैश होगा, यहाँ पर आने के बाद आपको आना है इग्नो क्विक लिंक्स में। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ड्रॉप डाउन नीचे में एक ऑप्शन आएंगे। ये देखो नीचे में ऑप्शन आएंगे, नीचे की तरफ आपको आना है। यहाँ पे अगर आपको एम कॉम के असाइनमेंट डाउनलोड करना है तो यहाँ पे क्लिक करना है। आप एम कॉम के हो तो यहाँ पे करोगे, बी कॉम के हो तो यहाँ पे करोगे। एम कॉम के स्टूडेंट्स यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देखो ये आ जाएगा 2021 का और 21-22 का, ठीक है ना। ये सिर्फ और सिर्फ एम कॉम के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। देखो यहाँ लिखा हुआ है एम कॉम इंग्लिश, है ना। तो यहाँ 2021 और 21-22 सेशन का यहाँ पे असाइनमेंट अवेलेबल है। आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करके आप लिखना स्टार्ट करेंगे। अब आपके मन में आएगा कि सर क्वेश्चन तो हमें मिल जाएगा, आंसर कहाँ से मिलेगा? तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, आंसर्स हम ही आपको प्रोवाइड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट वो थोड़ा सा चार्जेबल होगा आपके लिए। कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसके ऊपर मैं बाद में बताऊंगा। एक चीज और है, मैं पहले वो दिखा देता हूँ आपको ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि करना क्या है। देखो दो तरीके से आप असाइनमेंट हमसे ले सकते हो, इवन आप क्लासेस भी कर सकते हो। तो मैं थोड़ा क्लासेस के बारे में पहले बता देता हूँ। अगर आप क्लासेस में इंटरेस्टेड हो इग्नू के, तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा इस तरह से आपको क्लासेस करवाई जाएंगी। ऑनलाइन क्लासेस जो है 2 जनवरी से हमारी स्टार्ट हो गई है। हर संडे को शाम 4 बजे से आपको क्लास करवाया जाएगा, ठीक है। आखिरी संडे जो होगा हर एक मंथ का, वो आपका डाउट जो क्लियरेंस क्लास होगा, ठीक है ना। एडमिशन असाइनमेंट के रिगार्डिंग कोई भी हेल्प आपको चाहिए वो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी हमारी तरफ से। बीकॉम के लिए ट्यूशन फी रखा गया है 200 रुपीज पर मंथ, जो कि बहुत ही कम है, और एमकॉम के स्टूडेंट्स के लिए 300 रुपीज पर मंथ, ठीक है ना। तो ये तो बात हो गई ट्यूशन की। पर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि ट्यूशन नहीं करना चाहते, वो बस चाहते हैं कि उनको नोट्स मिल जाए एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन 2-3 महीने पहले, और वो उस नोट्स को पढ़ के एग्जाम दे दें, है ना। असाइनमेंट्स उनको मिल जाए सही टाइम पे, वो लिख करके असाइनमेंट जमा कर दे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कि रेगुलर बेसिस पे या फिर एक ट्यूशन नहीं करना चाहते। तो जिनको ट्यूशन नहीं करना है, जिनको सिर्फ नोट्स खरीदने हैं, उनके लिए भी हमारे पास एक प्लान है। ये तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो अच्छे तरीके से स्टडी करना चाहते हैं, और जिनको सिर्फ एग्जाम पास करना है अच्छे मार्क्स के साथ, वो हमारे नोट्स को और असाइनमेंट्स को लेकर के अपना जो है कोर्स कम्प्लीट कर सकते हैं। करना क्या है आपको, यहाँ पे एक और मैं आपको पेज दिखाने जा रहा हूँ। ये देखो आप स्क्रीन पे आपको दिख रहा है असाइनमेंट्स। अगर आपको चाहिए तो आपको सिर्फ 50 रुपीज पर पेपर आपको पे करने हैं। सपोज आपके 6 पेपर हैं तो 300 रुपए आप पे करेंगे। आपको मैं असाइनमेंट्स हर एक पेपर का सेंड कर दूंगा। मैं एमकॉम की बात कर रहा हूँ, बीकॉम का भी सेम। आप अगर 4 या 5 पेपर का असाइनमेंट्स अगर आप सबमिट करना चाह रहे हैं तो हर पेपर का 50 रुपीज आपको चार्ज लगेगा। वो पेमेंट आप कर देंगे, मैं आपको असाइनमेंट्स भेज दूंगा। आपको असाइनमेंट को सिर्फ लिखना है और वहां पे जमा कर देना है, ठीक है। इसके अलावा जिनको सिर्फ नोट्स खरीदने हैं उनके लिए बहुत ही आसान सा प्लान है। बीकॉम के स्टूडेंट्स को 1000 रुपीज पर ईयर का पे करना है। एक साल में उनके टोटल 8 पेपर्स होते हैं, ठीक है ना। बीकॉम के स्टूडेंट्स के 2 सेमेस्टर में टोटल 8 पेपर्स होते हैं, तो 1000 रुपए उनको पर ईयर का पे करना है। उसमें उनको जो है सारे के सारे नोट्स जो है, हर एक पेपर का नोट्स जो है उनको मिल जाएगा, जिनको देख करके पढ़ करके अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। साथ ही साथ एमकॉम के स्टूडेंट्स को पर ईयर के लिए 1500 रुपए पेमेंट करना है। जैसे कि हमारे पास से अभी के स्टूडेंट ने हमसे परचेस करा था, आप भी चाहें तो परचेस कर सकते हैं। आपको सिर्फ 1500 रुपीज पे करने हैं। आपको असाइनमेंट्स जो है, असाइनमेंट्स कह रहा हूँ, आपको नोट्स मिल जाएंगे जिनको पढ़ करके आप अपने एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला पाओगे, ठीक है ना। तो ये दो तरीके से आप हमारे पास से स्टडी कर सकते हो। साथ ही साथ मैं बताता चलूं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, जो ट्यूशन फी नहीं पे कर सकते हैं, उनके लिए मैं बोलना चाहूंगा कि बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। आपको इग्नू एमकॉम न्यू या फिर ओल्ड, अगर आप ओल्ड के स्टूडेंट हैं तो ओल्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, न्यू के हैं तो न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। आप इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे की तरफ आएंगे, इग्नू का जो नया कोर्स है वो चेंज हो गया है। फर्स्ट ईयर में आपका MCO 1 से लेकर के MCO 5 और MCO 21 एक नया कोर्स लॉन्च किया गया है। हालांकि उसकी वीडियोज अभी तक अवेलेबल नहीं है, ना ही कोर्स कंटेंट अवेलेबल है, तो वीडियोज भी मैं नहीं बना पा रहा हूँ। तो ये नया कोर्स है पूरा का पूरा, ठीक है ना। फिर भी जैसे ही होगा मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। यहाँ पे आपको करना क्या है,
आपको सपोज MCQ 1 की स्टडी करनी है, इस नाम के ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखो यूनिट वाइज आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिख जाएंगे, दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको आंसर करना है। ये देखो आंसर में क्लिक हेयर लिखा हुआ है, क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक करेंगे आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। इसको आप पढ़ेंगे, आपकी एग्जाम की तैयारी ठीक तरीके से होती रहेगी। तो ये तरीका है फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें आपको कुछ भी पेमेंट नहीं करना, आपको बस हमारे वेबसाइट पर आकर के स्टडी करना है, ठीक है। लेकिन जो बच्चे हमसे नोट्स खरीदना चाहते हैं वो चार्जेबल हैं। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो उसके चार्जेस मैंने आपको बताए थे। अगर आप सिर्फ नोट्स खरीदना चाह रहे हैं, असाइनमेंट्स खरीदना चाह रहे हैं, तो ये चार्जेस हैं। नोट्स अगर आपको खरीदना है बीकॉम का तो 1000 रुपीज पर ईयर के हिसाब से लगेगा, एमकॉम का 1500 रुपये पर ईयर के हिसाब से लगेगा, असाइनमेंट्स 50 रुपये पर पेपर के हिसाब से आपको चार्ज किए जाएंगे। और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। इसके लिए आपको बीकॉम के स्टूडेंट्स को सिर्फ 200 रुपये पर महीने पेमेंट करने हैं और एमकॉम के स्टूडेंट को 300 रुपये पर महीने पेमेंट करने हैं। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, व्हाट्सएप का नंबर वहां पे रहेगा, आप मुझे व्हाट्सएप कर लेना डायरेक्टली, हम आपसे बात कर लेंगे, आपकी जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसा आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए और इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस चीज़ में इंटरेस्टेड हों। नोट्स बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं, एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस का नोट्स बनाए हुए हैं, तो आप बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। इग्नू के बुक में आपने देखा होगा कि जो डेटा है वो बहुत ही पुराना है, बहुत ही पुराना है, तो उसका इस्तेमाल वो अभी रिलेवेंट नहीं है, अभी के टाइम पे वो डेटा रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि जब कोई डेटा 30 साल पुरानी हो जाती है, 20 साल 30 साल पुरानी हो जाती है, तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है ना। तो अगर आपको लेटेस्ट डेटा के साथ अगर आपको स्टडी करनी है तो फिर आपको कॉमर्स की पाठशाला को ज्वाइन करना होगा, है ना। सिंपल सा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, इस तरीके से आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, थैंक यू।